Good morning to all of you. Today I am going to teach the topic models. You know very well, मैंने देखा है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने केवल मॉडल्स जो टॉपिक को जो एक्सप्लेन किया है यूट्यूब पर, उन्होंने केवल 2 or 3 मॉडल्स को जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इसलिए ये तरीके से मेरी मजबूरी बन गई है, ड्यूटी बन गई कि मैं इस पूरे टॉपिक को जो है आपके सामने जो है बिल्कुल मैं उसको क्लियर करूं, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें और इसके क्वेश्चन सोल्व करने में जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मॉडल्स। एट फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि मॉडल्स आर अ काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब, दैट्स व्हाई वी कॉल देम ऑक्सिलरी वर्ब। मैं आपको बता दूं कि जो मॉडल्स हैं ये एक हेल्पिंग वर्ब का प्रकार होते हैं, इसलिए हम लोग जो है इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब भी जो है हेल्पिंग वर्ब होता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मॉडल्स भी जो है एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब का प्रकार है। मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में जो है 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती है। कितनी हेल्पिंग वर्ब्स होती है? 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती है। इनमें से 11 जो वर्ब्स होती है वो होती है बी वर्ब, हैव वर्ब और डू वर्ब। ये टोटल 11 होती है, और इसके बाद इसमें 13 मॉडल्स ऐड होते हैं, इसलिए टोटल मिलाकर कितने हो गए? 24। इसलिए हेल्पिंग वर्ब्स टोटल जो है 24 होती है। ये आपको अपने माइंड में कंसंट्रेट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि मॉडल्स जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रकार है, इसलिए हम इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। और इंग्लिश में टोटल जो है देयर आर 13 मॉडल्स इन इंग्लिश व्हिच वी यूज टू एक्सप्रेस डिफरेंट मूड्स। इंग्लिश में 13 मॉडल होते हैं जिनका यूज जो है अलग अलग मूड को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि मॉडल्स एक हेल्पिंग वर्ब का प्रकार है, और इंग्लिश में 13 मॉडल्स होते हैं जिनका यूज हम लोग जो है अलग अलग मूड को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सम रूल्स फॉर यूजिंग मॉडल्स, सम रूल्स फॉर यूजिंग मॉडल्स, मॉडल्स के उपयोग के नियम कि भाई हमें मॉडल्स को जब हम फिलअप करेंगे तो हमें किस तरीके से जो है उसे फिलअप करना है, इसका क्या सिस्टम होता है, इसको हम देखेंगे। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि मॉडल्स जो है आर काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब है, देयरफॉर वी नेवर यूज एनी अदर हेल्पिंग वर्ब विद मॉडल्स। इसलिए हम जो है मॉडल्स के साथ किसी दूसरी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में डबल हेल्पिंग वर्ब आपको जो है एक ही सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब आपको कभी नहीं मिली होगी। उसमें एक सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है। ऐसे ही मॉडल भी एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए मॉडल्स के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, इसके साथ हमेशा किसका यूज होता है? मेन वर्ब का यूज होता है। इधर क्लियर? दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि वी ऑलवेज यूज वी वन विद मॉडल्स। मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। आपको अच्छे तरीके से आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, किसी भी फॉर्म का यूज कर सकते हैं वर्ब की, लेकिन मॉडल्स के साथ केवल जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ऑलवेज यूज वी वन विद मॉडल्स, ये आपके दिमाग में, आपके माइंड में आपको रखना है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो इंग्लिश में जो मॉडल्स हैं ये 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो 2 कैटेगरी कौन सी है इस पर हम बात करते हैं। आपको पता है जरा 13 मॉडल्स हैं इंग्लिश, इंग्लिश में कितने मॉडल्स होते हैं? 13 मॉडल्स होते हैं। इन 13 मॉडल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इनमें से देयर आर 10 मॉडल्स आर कंसीडर्ड प्योर मॉडल्स। इनमें से जो 10 मॉडल्स हैं इन्हें क्या माना गया है? प्योर मॉडल्स माना गया है। और वाइल देयर आर 3 मॉडल्स आर कंसीडर्ड सेमी मॉडल्स। इनमें से जो 3 मॉडल्स हैं उन्हें जो है क्या माना गया है? सेमी मॉडल्स माना गया है। मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में क्वेश्चन पुट अप हो रहा होगा कि ये